अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर जाना चाहते हैं, एक साल वहाँ पे विदाउट जॉब ऑफर लेटर गुजारना चाहते हैं और साथ में एक साल काम भी करना चाहते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आप पूरा सब कुछ ये कवर करेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा, जो बातें मैंने भी बताई है, तो ये सब कुछ कैसे होगा, ऐसी क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जर्मनी की तरफ से कि इतनी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन भाइयों ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों के आपके दोस्तों को भी। तो आते हैं मेन पॉइंट पर, और पॉइंट ये है कि अगर आपको पता हो कि जर्मनी ने एक जॉब सीकर वीज़ा निकाला था जिसमें उन्होंने कुछ ब्लॉक अकाउंट्स के बारे में कहा था और एक जॉब ऑफर लेटर्स के बारे में कहा था कि आपको जर्मनी से कोई जॉब ऑफर लेटर आता है तो उसके बिना पे आप जर्मनी जाते हैं, फिर वहाँ पे आप जॉब करते हैं, सेटल होते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे कुछ था जो कि मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बनाई। तो अभी जो एक अपॉर्चुनिटी आई है जो कि आज 1 जून 2024 से ये स्टार्ट हुई है और ये काफ़ी 3-4 महीने से इस चीज़ के बारे में वीडियोस भी चल रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इस चीज़ को मैं कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने शुरू की है जो कि जर्मन वर्ड है, चांसनकार्ट, और इसका मतलब ये है अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है, 1 जून 2024 से ये अभी इनके वीज़ाज इनकी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये हम हासिल कैसे करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है और कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है, तो उसके बारे में इस चीज़ के बारे में ये वीडियो हमने बनानी थी। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि पहले ये था कि जिनके पास अगर जर्मनी से कोई ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर आया है और आपके पास ब्लॉक अकाउंट है 6 महीने से, तो आप जर्मनी के जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट आपने पूरे करने हैं और इसके बिहाफ पे आपको ये 1 ईयर वीज़ा दे देंगे जिस पे आप वहाँ जाके 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपनी जॉब भी ढूंढ कर सकते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक, यानी कि 1 साल तक आपके पास ड्यूरेशन होगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी वीज़ा उसमें हासिल कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये 6 पॉइंट हम पूरे कैसे करेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि एक तो आपकी डिग्री, क्योंकि उसकी डिग्री है, यानी अगर आपकी कोई डिग्री आपने कोई पाकिस्तान से, यूके से, कनाडा से, इंडिया से, कहीं से भी की है, तो इनकी एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, उस पर आपने जाके अपनी डिग्री रिकोगनाइज करनी है कि क्या आपकी डिग्री जर्मन जो इंस्टीट्यूट्स है उसके लेवल के मुताबिक या उसमें रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो उसके लिए नीचे लिंक में दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी डिग्री आप चेक करेंगे। पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका नाम इस लिस्ट में है, इस रिकॉग्नाइज्ड जो इनका लिस्ट है, और इसमें आपको मैं बताता जाता हूँ, इसमें आगा खान यूनिवर्सिटी है, अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर है, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है, ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट है, इसरा यूनिवर्सिटी है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एयरफोर्स है, मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, पाकिस्तान नेवल अकेडमी है, प्रिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि कराची सिंध की है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी कराची कैंपस है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी कोहाट कैंपस भी इसमें आ रहा है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है, विर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, यानी ये सारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी है इस लिस्ट में है, यानी कि अगर आपने यहाँ से कोई भी डिग्री हासिल की हुई है तो आपके पॉइंट्स इसके लिहाज से पूरे हो सकते हैं। इसमें तकरीबन 4 पॉइंट तो आपको इस डिग्री के मिल जाते हैं, साथ में जो बाकी पॉइंट्स है वो बाकी रह गए हैं 2 पॉइंट। तो उसमें एक चीज़ कि अगर 40 साल से आपकी एज कम है तो उस पे बेस पे भी आपको 1 पॉइंट मिल जाता है, यानी कि 35 और 40 के दरमियान अगर आपकी एज है तो आपको 1 पॉइंट उसका भी मिल जाता है। साथ में अगर आपने जर्मन कोई लैंग्वेज किया हुआ है तो जर्मन लैंग्वेज के भी 2 पॉइंट मिल जाते हैं, अगर जर्मन लैंग्वेज आपने नहीं किया तो आइट्स के या बाकी जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं उसके भी आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। साथ में अगर आपने कोई डिग्री की हुई है और इसी डिग्री में आपके पास 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस भी है
जो उसी रिलेवेंट आपके जो वो है सब्जेक्ट्स हैं या जो आपकी डिग्री है उसके मुताबिक आपकी कोई एक्सपीरियंस है जिसके पास आपके पास प्रूफ है, तो तब भी उसके आपको 1 से 2 पॉइंट मिल जाते हैं। यानी कि 6 पॉइंट लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, हर बंदा इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इनके लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। ये तो वो हुए जिनके पास अगर डिग्री है, बाकी 5 से 6 ऐसी प्रोफेशंस भी है, अगर उन प्रोफेशंस के मुताबिक आप हैं तो आप तो स्टेट अवे एलिजिबल है, जिसमें नर्सिंग है, आईटी है, इंजीनियर्स है, और उसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, और मैकेनिक्स है, ऐसे 5 6 7 ऐसी कैटेगरीज भी है। अगर वो आपकी उसके मुताबिक है तो आप स्टेट अवे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको ये 1 साल का वीज़ा देंगे, 1 साल की वीज़े पे आप वहाँ जाके वहीं पे आपने अपने लिए जॉब सर्च करनी होती है, और उसके बाद आपने पीआर के लिए भी इसमें आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी दौरान आप अगर 1 साल वहाँ रहते हैं तो आपको पार्ट टाइम 20 आवर्स वर्क भी अलाउड है इस वीज़ा पे। यानी बाकी आप कोई कैटेगरीज देख के उस पर आप जब जाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जॉब सीकर वीज़ा पे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे वर्क अलाउड नहीं होता जब तक आप अपनी किसी कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर ना हो जो आपके एजुकेशन के मुताबिक हो। लेकिन इसमें आप जाके किसी भी लेवल की जॉब कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं, चाहे आप कहीं लेबर का काम करते हैं, लेकिन आप यानी कि आप खुद वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 महीने आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप छोटे मोटे काम करके अपने आप को वहाँ पे रख सकते हैं, अपना खर्चा आप निकाल सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर से कैसे करेंगे, उसके लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, इनका अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, आप उस पर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। वहाँ पे आपको स्टेप वाइज आपसे पूछेंगे कि भाई आपने एजुकेशन कितनी की है, एक्सपीरियंस कितनी है, लैंग्वेज एक्सपीरियंस आपके पास है, लैंग्वेज आपने कौन सा किया हुआ है, और अपने जो आपकी फील्ड है उसमें एक्सपीरियंस कितनी है, एज आपकी कितनी है। और इसमें कोई ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं चाहिए, जैसे कि जॉब सीकर वीज़ा में आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगते थे, इसमें ब्लॉक अकाउंट आपसे नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने एक शो मनी दिखानी है, 1200 से 1300 यूरो जो आपके पास होने चाहिए, जब क्योंकि आपने ये दिखाना है कि मैं इसी खर्चे पे वहाँ पे आऊँगा। तो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसको समझना है। उसके समझने के लिए आपको थोड़ी सी खुद रिसर्च करनी है, हमारी जो रिसर्च थी हमारी रिसर्च यहाँ तक थी, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा केस अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आज 1 जून है और आज से ये शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने सीधे स्टेट अवे वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको मैं लिंक्स दे दूंगा, आपने उस लिंक्स पे जाके खुद बाकी रिसर्च करना है और खुद अप्लाई करना है, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, कहीं नहीं जाना, बहुत सिंपल स्टेप है। हर बंदा अप्लाई करे जो समझता है कि भाई उसकी पास हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो वो फौरन इस पे अप्लाई करे। और बाकी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।